नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 21 मार्च दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार वासियों को मिली बड़ी सौगात, शहद उत्पादन को केंद्र सरकार देगी बढ़ावा। बिहार में सार्वजनिक कुओं का हो रहा जीर्णोद्धार। यूजीसी चेयरमैन ने सीयूईटी के पैटर्न में हुए बदलाव की दी जानकारी। एडीजी ने बिहार यूट्यूबर को लेकर कहा यह। आईपीएल के पहले मुकाबले से पहले हार्दिक जडेजा ने एक दूसरे को दिया ओपन चैलेंज। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एफसीआई ने 46 पद के लिए निकाली भर्ती अधिसूचना। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट जनरल इंजीनियर के कुल मिलाकर 46 पदों के लिए भर्ती रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बता दें कि इसके लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 1 अप्रैल 2023 तक निर्धारित की गई है। वहीं अगर इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार के पास असिस्टेंट इंजीनियर के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए और असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए उम्मीदवार के पास इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए और साथ ही इन दोनों पदों के लिए 5 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट fci.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार वासियों को मिली बड़ी सौगात, शहद उत्पादन को केंद्र सरकार देगी बढ़ावा। केंद्र सरकार की तरफ से मीठी क्रांति को बिहार में बढ़ावा देने के लिए बड़ी सौगात मिली है। बता दें कि मीठी क्रांति यानी शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 17 जिलों का चयन किया गया है। दरअसल इन जिलों का चयन राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के तहत हुआ है, जहां किसान समूहों, महिला समूहों और सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए लगभग 1.30 करोड़ रुपए की स्वीकृति केंद्र सरकार पहले किस्त के रूप में की गई है। बिहारी मोथरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म आज ही के दिन 1916 में हुआ था। यह हिंदुस्तान के प्रख्यात सहनाई वादक थे। बता दें कि सन 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वह तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 6 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां अपने पिता के साथ बनारस आ गए। वहां उन्होंने अपने मामा अली बख्श विलायती से सहनाई बजाना सीखा। उन्होंने उस्ताद मामा विलायती विश्वनाथ मंदिर में स्थायी रूप से सहनाई वादन का काम करते थे। बिस्मिल्लाह खान को वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर अपनी सहनाई बजाने का दुर्लभ सम्मान मिला था। उन्हें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले में पहले स्वतंत्रता दिवस पर सहनाई बजाने के लिए आमंत्रित किया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने न सिर्फ खुद को एक प्रसिद्ध सहनाई वादक के रूप में स्थापित किया बल्कि सहनाई को भी संगीत की दुनिया में एक अलग पहचान दिलवाई। बिहार के 60 निवेश प्रस्तावों को 557 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को प्रारंभिक झंडी। विकास आयोग की अध्यक्षता में हुई बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की 46वीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें बिहार के 2 करोड़ से अधिक के 60 निवेश प्रस्तावों को 557 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को प्रारंभिक हरी झंडी दे दी गई है। मालूम हो कि इनमें सर्वाधिक 122 करोड़ के निवेश प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के हैं। इन सबके अलावा इस बैठक में 13 प्रस्तावों को वित्तीय इंसेंटिव क्लियरेंस भी दी गई है, जिसके तहत 214.44 करोड़ रुपए का निवेश किया जाना है। दरअसल बैंकों के द्वारा वित्तीय सुविधा, मदद और कर्ज उपलब्ध कराने की रजामंदी दे दी गई है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक राज्य के औद्योगिक इकाइयों की स्थिति मानचित्र पर अंकित करने के लिए कहा गया है और साथ ही इंडस्ट्रियल सेडो जोन को चिन्हित करने के भी निर्देश दिया गया है। एडीजी ने बिहार यूट्यूबर को लेकर कहा यह। बीते दिन पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा तमिलनाडु वीडियो वायरल को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया है कि अब तक इस मामले को लेकर आर्थिक अपराध इकाई की टीम के द्वारा 3 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यूट्यूबर मनीष कश्यप को आर्थिक अपराध इकाई की टीम पूछताछ के लिए अपने रिमांड पर लेगी। इसके लिए बीते दिन माननीय न्यायालय में अपील की गई है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी वीडियो वायरल मामले को लेकर लगभग 1 दर्जन मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच करने को लेकर तमिलनाडु से जो टीम पटना पहुंची थी वह अब भी पटना में ही मौजूद है, जो मनीष कश्यप से पूछताछ करेगी। हालांकि यह मामला कोर्ट का है, इसलिए कोर्ट का जो भी निर्णय होगा हमारे द्वारा उसका ही पालन किया जाएगा। बिहार दिवस के मौके पर स्टार्टअप के बारे में जानेंगे युवा।
राज्य के सभी विभागों की ओर से बिहार की राजधानी स्थित गांधी मैदान में 22 से 24 मार्च तक अलग अलग प्रदर्शनी लगाई जाएगी। वहीं इस दौरान उत्पाद विभाग के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में युवा स्टार्टअप व एंटरप्रेन्योरशिप से अवगत हो सकेंगे। उत्पाद विभाग के द्वारा लगाए गए इस प्रदर्शनी से युवाओं को स्टार्टअप के बारे में कई सारी जानकारी मिल सकेगी और आने वाले समय में वे भी अपने स्टार्टअप की शुरुआत करने में सक्षम हो पाएंगे। इसके अलावा भी अन्य विभागों के द्वारा अलग अलग प्रदर्शनी लगाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार दिवस में होने वाले कार्यक्रम को लेकर बीते दिन यानी कि सोमवार को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के द्वारा सभी को संबोधित किया गया। मालूम हो कि बीते दिन हुए इस बैठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के साथ साथ विभिन्न विभागों के शीर्ष अफसर भी मौजूद रहे। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी पर नीतीश तेजस्वी के खिलाफ लगे नारे। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप इन दिनों पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं बीते दिन पश्चिम चंपारण में मनीष कश्यप के समर्थकों के द्वारा मनीष कश्यप की गिरफ्तारी को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया गया। बता दें कि इस दौरान आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। वहीं प्रदर्शनकारियों के द्वारा कार्ड पर लिखकर यह दावा किया गया है कि वह मनीष कश्यप के साथ है और उन्हें जेल से बाहर निकालेंगे। इसके साथ ही इस प्रदर्शन के दौरान समर्थकों के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारेबाजी भी किए गए। वहीं मनीष कश्यप के नाम के जिंदाबाद के नारे लगाए गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदर्शन के इस घटना को सोशल मीडिया पर भी वायरल किया जा रहा है। बिहार में लोगों को मिली गर्मी से राहत। बिहार में 3-4 दिनों से मौसम का रुख बदला सा है। बीते दिनों भी बिहार के कई जिलों में बारिश हुई। बता दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 5 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में किसी विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार कृषि मौसम परामर्श केंद्र पूसा के नोडल अधिकारी डॉक्टर ए सत्तार के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले 22 मार्च तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। वायुमंडल में नमी की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाने से उत्तर बिहार के नेपाल की तराई क्षेत्र में सभी जिलों में 21 मार्च तक 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना है। 21 मार्च तक कई जिलों में फिर से ओलावृष्टि होने की संभावना है। बिहार में सार्वजनिक कुओं का हो रहा जीर्णोद्धार। बिहार में सार्वजनिक रूप से मौजूद 84,592 कुओं में से 33,069 कुओं का जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। बता दें कि इनमें से कुछ कुओं के जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण हो चुका है तो वहीं कुछ कुओं के सामने सोखता निर्माण का कार्य चल रहा है। बता दें कि इन सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार जल जीवन हरियाली अभियान के तहत करवाया जा रहा है। वहीं कुओं के जीर्णोद्धार करने से दौरान यह बात निकलकर सामने आई है कि राज्य भर में कुल 11,848 सार्वजनिक कुएं ऐसे हैं जिस पर कई स्तरों पर कब्जा करके रखा गया है। हालांकि यह जानकारी सामने आने के बाद 11,525 कुओं को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है, लेकिन अभी कुल 323 कुएं बचे हैं जिन्हें अतिक्रमण मुक्त कराना बाकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सभी कार्य जल जीवन हरियाली के तहत ही पूर्ण किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित होगा महाबोधि कॉरिडोर। बोधगया में महाबोधि कॉरिडोर का निर्माण कार्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर किया जाएगा। बता दें कि इसके लिए 72.90 एकड़ जमीन को चिन्हित भी कर लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बनने वाले इस महाबोधि कॉरिडोर की खासियत यह होगी कि इसका निर्माण लाल गुलाबी व पीले पत्थरों से किया जाएगा जो कि राजस्थान से मंगाए जाएंगे। मालूम हो कि महाबोधि कॉरिडोर के निर्माण को लेकर पर्यटन मंत्रालय के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जी कमला वर्धन के द्वारा अपनी बोधगया यात्रा के दौरान पर्यटन विभाग व जिला प्रशासन के साथ बैठक भी की गई थी। बता दें कि महाबोधि कॉरिडोर के विकसित होने के दौरान बुद्ध पोखर, घोसा लचक, बड़ा पत्थर, मुचलिन सरोवर, बुद्ध विहार और उड़ैल तिला का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने सहरसा से दरभंगा एम्स स्थानांतरित किए जाने पर की सुनवाई। बीते दिन पटना हाईकोर्ट के एसीजे जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ के द्वारा बिहार के सहरसा में स्थापित किए जाने वाले एम्स अस्पताल को दरभंगा स्थानांतरित किए जाने के विरुद्ध कोशी विकास संघर्ष मोर्चा की जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। बता दें कि इस मामले को लेकर हाईकोर्ट की ओर से केंद्र व राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है। बता दें कि याचिकाकर्ता के द्वारा कोर्ट को बताया गया कि एम्स के तर्ज पर अस्पताल बनाए जाने का प्रस्ताव बिहार के सहरसा में था। सहरसा में पर्याप्त भूमि भी मौजूद है। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में एम्स स्तर का अस्पताल नहीं है जिस वजह से लोगों को इलाज करवाने के लिए पटना या सिलीगुड़ी जाना पड़ता है, जिससे लोगों के ऊपर न केवल आर्थिक बोझ बढ़ता है बल्कि कठिनाई भी होती है। बता दें कि अब इस मामले पर कोर्ट के द्वारा अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद की जाएगी। यूजीसी चेयरमैन ने सीयूईटी के पैटर्न में हुए बदलाव की दी जानकारी।
अगर आप भी केंद्रीय विश्वविद्यालय से अंडर ग्रेजुएट करना चाहते हैं तो आप CUET 2023 परीक्षा के तहत एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि इस वर्ष छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए CUET परीक्षा के पैटर्न में कुछ बदलाव किए गए हैं। बता दें कि UGC चेयरमैन के द्वारा एक न्यूज चैनल को दी गई जानकारी के अनुसार पैटर्न पिछले साल यानी कि वर्ष 2022 की तरह ही रहेगा, लेकिन इस बार बच्चों को इस परीक्षा में ज्यादा फ्रीडम और ज्यादा चॉइस दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पिछले साल बच्चों के द्वारा 9 विषयों में परीक्षा दे सकते थे, इस साल बच्चे 10 पेपर्स यूज कर सकते हैं। बता दें कि इस बार 21 मई से 31 मई तक परीक्षा आयोजित की जा रही है और हर दिन 3 सेशन में परीक्षा होगी। मालूम हो कि परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख 31 मार्च तक जारी रहेगी। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे माँ थावे मंदिर के बारे में। माँ थावे वाली का पवित्र स्थान गोपालगंज जिले के थावे प्रखंड में स्थित है। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि यहाँ माँ अपने भक्त रशु भगत के बुलावे पर असम के कामाख्या स्थान से चलकर यहाँ पहुंची थी। मान्यताओं की माने तो माँ कामाख्या से चलकर कोलकाता काली के रूप में दक्षिणेश्वर में प्रतिष्ठित पटना, यहाँ माँ पटन देवी के नाम से जानी गई आमी छपरा जिले में माँ दुर्गा का एक प्रसिद्ध स्थान होते हुए थावे पहुंची थी और रहसु के मस्तक को विभाजित करते हुए साक्षात दर्शन दी थी। थावे मंदिर के पीछे एक सरोवर भी है और वहाँ एक पार्क भी बना हुआ है। आप दर्शन के बाद मंदिर के पीछे सरोवर के पास जाकर कुछ वक्त बिता सकते हैं। साथ ही अगर परिवार और बच्चों के साथ गए हैं तो पार्क का भी आनंद उठा सकते हैं। पैकेट बंद खाद्य पदार्थ की ताजगी का पता लगाने वाले उपकरण का भारतीय वैज्ञानिक ने किया निर्माण। अमेरिका में एक भारतीय अनुसंधानकर्ता के द्वारा एक ऐसे उपकरण का निर्माण किया गया है जिससे पैकेट बंद खाद्य पदार्थ की ताजगी का पता लगाया जा सकता है। बता दें कि तैयार किया गया यह pH सेंसर उपकरण छोटा है और कम लागत वाला है, जो कि महज 2 मिलीमीटर लंबा और 10 मिलीमीटर चौड़ा है, जिसके कारण इसे आसानी से मौजूदा खाद्य पैकेट में लगाया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आमतौर पर भोजन का pH स्तर का पता लगाने के लिए तकरीबन 1 इंच लंबे उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हर पैकेट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन इस नए उपकरण से सारे प्रकार के पैकेट के खाद्य पदार्थ का pH का पता लगाया जा सकता है। मुजफ्फरपुर जिले में लग्जरी वाहन में बरामद हुए भारी मात्रा में शराब। पूरी तरह से बिहार में शराबबंदी लागू है, बावजूद इसके शराबों का कारोबार बिहार में धड़ल्ले से हो रहा है। उत्पाद विभाग और बिहार पुलिस को शराबबंदी सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन फिर भी शराब के बड़े बड़े खेप दूसरे राज्यों से बिहार में लाए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में शराब हरियाणा जैसे राज्य से भी आ रहे हैं। इस मामले को लेकर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के बीच 2 लग्जरी कार पर भारी मात्रा में शराब के साथ 4 धंधेबाजों को पुलिस द्वारा मुजफ्फरपुर जिले के अय्यापुर थाना इलाके में शेखपुर ढाब से गिरफ्तार किया गया है। जेडीयू ने 10 जिलों और नगरों के अध्यक्षों के नाम किए घोषित। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के द्वारा 10 जिलों और नगरों के अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है। बता दें कि जारी की गई सूची के अनुसार जिन लोगों को जिलाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, उनमें मधेपुरा से पूर्व मंत्री रमेश ऋषिदेव को, मुजफ्फरपुर से रामबाबू कुशवाहा को, शेखपुरा से रणधीर कुमार सोनी को, नालंदा से मोहम्मद अरशद को, रोहतास से अजय कुशवाहा को, औरंगाबाद से अशोक कुमार सिंह को, मुजफ्फरपुर नगर से अनुपम सिंह को, दरभंगा नगर से माधव झा को, कटिहार नगर से मुकेश कुमार को और बेगूसराय नगर से संजय सिंह के नाम को शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री इस दिन आएंगे छपरा। 23 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार के छपरा आ रहे हैं, जहां वे क्षत्रिय छात्र निवास का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इस छात्र निवास का उद्घाटन वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव के अवसर पर किया जाएगा। वहीं उनके आगमन को लेकर एक बैठक कर तैयारियों की समीक्षा भी की गई है। बता दें कि यह बैठक सारण जिला क्षत्रिय छात्रावास के अध्यक्ष कामेश्वर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। मालूम हो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को निमंत्रण छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी और महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के सामूहिक प्रयास से दी गई है, जिसे रक्षा मंत्री ने स्वीकारा भी है और खुशी भी जताई है कि उद्घाटन किए जाने वाले छात्रावास में उन बच्चों को रखा जाएगा और पढ़ाई की व्यवस्था दी जाएगी जो मेधावी हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं। CBI ED के दुरुपयोग पर सुधाकर सिंह का बयान। बीते दिन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर CBI और ED के दुरुपयोग करने को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ छापेमारी को बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में विपक्षी दलों को परेशान किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। मैं एक निजी विधेयक बिहार विधानसभा में
ला रहा हूँ, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के सेक्शन में 6(1) में यह अधिकार दिया गया था कि वह देश में कहीं भी जांच कर सकती है। लेकिन जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को बढ़ता हुआ देखकर 9 राज्यों ने इस आम सहमति के धारा 6 को वापस लेने का काम किया था। हम चाहते हैं कि स्पीकर इस प्राइवेट बिल पर चर्चा करने की अनुमति दे और उस विशेष अधिकार को निरस्त करे। पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री पर लगाया यह आरोप। बीते दिन जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव के द्वारा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की गई है कि वे गिरिराज सिंह को जेल में डाल दें। बता दें कि पप्पू यादव ने यह मांग सीएम नीतीश से गिरिराज सिंह के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि इस व्यक्ति पर कब FIR करेगी बिहार सरकार, क्या यह यूं बिहार को बदनाम करता रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तत्काल इस पर दर्ज करवा गिरफ्तार करवाएं। केंद्रीय मंत्री हैं तो कुछ भी पकेंगे, ऐसे ही जहर फैलाएंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करें। दरअसल पप्पू यादव ने यह मांग गिरिराज सिंह के द्वारा किए गए उस ट्वीट पर की है, जिसमें गिरिराज सिंह कहते हैं कि क्या वोट के खातिर नीतीश सरकार के नेतृत्व में बिहार इस्लामिक स्टेट की ओर बढ़ गया है, जहां सीमांचल के स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी, रमजान पर विशेष सुविधा दी जाती है और रामनवमी को छुट्टी रद्द कर दी जाती है। उपेंद्र कुशवाहा के नमन यात्रा का हुआ समापन। बीते दिन राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा शुरू की गई विरासत बचाओ नमन यात्रा का दूसरा चरण का अंतिम दिन रहा। बता दें कि पार्टी नेता फजल इमाम मल्लिक के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा के इस यात्रा का समापन अरवल में हुआ है, जहां उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा बिहार के लेनिन जगदेव प्रसाद के स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर जनसभा को संबोधित किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जगदेव प्रसाद ने हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बुलंद की है और इसी वजह से उन्हें अपनी जान भी देनी पड़ी, लेकिन अब हम पर यह जिम्मेदारी है कि उन्होंने जो विरासत हमें सौंपी है हम उन हाथों में नहीं जाने दे जिन्होंने बिहार को अराजकता और अंधेरे में धकेला है। बता दें कि 2 चरणों में हुई इस नमन यात्रा की शुरुआत 28 फरवरी को पश्चिम चंपारण के बापू आश्रम से हुई थी। इस दौरान कुशवाहा ने करीब 30 जिलों में सैकड़ों सभाओं को संवाद किया। IPL के पहले मुकाबले से पहले हार्दिक जडेजा ने एक दूसरे को दिया ओपन चैलेंज। 31 मार्च से IPL के 16वें सीजन का आगाज गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाले मैच से हो रहा है। बता दें कि यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। हालांकि लीग की शुरुआत होने से पहले स्टार स्पोर्ट्स के द्वारा एक प्रोमो वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें गुजरात टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा नजर आ रहे हैं। बता दें कि जारी किए गए इस वीडियो में दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी टीम के फैंस के सामने खड़े होकर एक दूसरे पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। वहीं इस प्रोमो में अचानक से महेंद्र सिंह धोनी की भी झलक दिखाई देती है, जिसे देखकर फैंस जोरों शोरों से चिल्लाने लगते हैं। बता दें कि इस प्रोमो वीडियो को सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। तत्कालीन बैंगलोर पर टीपू सुल्तान को पराजित कर अंग्रेजों की सेना ने 1791 में कब्जा किया। कोलकाता में 1836 में पहले सार्वजनिक पुस्तकालय की शुरुआत हुई, अब इसका नाम नेशनल लाइब्रेरी है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय सैनिकों ने 1858 में लखनऊ में आत्मसमर्पण किया। मुंबई में 1887 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने 1971 में अपना पहला टेस्ट शतक लगाया। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर धारा 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की। 1916 में महान सेनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां का जन्म हुआ। 1937 में महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद जाफर का जन्म हुआ। 1978 में बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी का जन्म हुआ। आज के दिन को विश्व कविता दिवस, विश्व वानिकी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय रंगभेद उन्मूलन दिवस और विश्व कठपुतली दिवस के रूप में मनाया जाता है। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक दावा किया जा रहा है कि सरकार CGHS को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से जोड़ना चाहती है, ताकि CGHS लाभार्थियों को निजी अस्पतालों के बजाय सरकारी अस्पतालों में इलाज मुहैया कराया जा सके। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा झूठा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। AC खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, कम आएगा बिल। अगर आप भी AC खरीदना चाहते हैं तो आपको AC खरीदने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, ताकि आपका 65% बिजली बिल कम आ सके। AC खरीदने वक्त ध्यान देना चाहिए कि वो कूलिंग एफिशिएंट है कि नहीं। कूलिंग एफिशिएंट AC रेगुलर AC की तुलना में कमरे को 20 गुना तेजी से ठंडा करते हैं। सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी AC को खरीदना चाहिए, जो 99.9% सेंट्रलाइजेशन प्रदान करता है। इस टेक्नोलॉजी से आप अपने घरों में आराम से बैठकर बस एक बटन के प्रेस के साथ एक पूरे इंडोर वेट वॉश प्राप्त कर सकते हैं। स्मार्ट एंड टेली कन्वर्टेबल 7-in-1 फीचर AC की टन भर क्षमता को 1.6 टन
से घटाकर न्यूनतम 0.8 टन करने में मदद करता है। इस यूनिक फीचर को रिमोट पर केवल इको बटन दबाकर एक्टिवेट किया जा सकता है। यह एसी का टनेज चुनने में मदद करता है जिससे कम बिजली खर्च आएगा। प्रशांत किशोर ने बिहार में कानून व्यवस्था पर किया हमला। बीते दिन राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा अपने जनसुराज पदयात्रा के दौरान बनियापुर प्रखंड में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बिहार में कानून व्यवस्था पर जमकर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि जब अक्टूबर में मेरी पदयात्रा की शुरुआत हुई थी तो लोग कहते थे कि राजद के सत्ता में आने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, और जब मेरी पदयात्रा सिवान पहुंची तो अब सुनने को मिल रहा है कि अपराध बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि किसी का मर्डर हो गया, किसी का अपहरण हो गया, डकैती हो गई। लोगों के जो यह सब डर था वो आज कहीं न कहीं सच होता दिख रहा है। राज्य जब भी सरकार में होती है लोगों का जो अनुभव रहा है उसे कानून व्यवस्था खराब होने की आशंका बनी रहती है। यह डर अब जमीन पर दिखना शुरू हो गया। नीतीश कुमार की तरह पढ़ा लिखा व्यक्ति इस राज्य का मुख्यमंत्री है, लेकिन फिर भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, जो कि उनके कार्यकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है एचके मल्होत्रा, श्वेता रॉय, रंजीत मिश्रा, रवि कुमार राम, अभिषेक राज, रोहित कुमार सिंह, नुन्नू गोलू कुमार, कुश कुमार यादव, मृत्युंजय कुमार, आर्यन आर्या, कुमारी संजना, रामावती देवी, उमेश ऋषिदेव, शंकर मुखिया, रवि शंकर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार विरासत बचाओ नमन यात्रा से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को राजनीतिक लाभ मिल पाएगा या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।